हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम डिस्कस करेंगे पीएमई का इलाज। हमने पहले भी बहुत वीडियो बनाया, अगर आप आपको उनको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो। इस दरमियान हमने सैकड़ों पेशेंट का इस पर इलाज किया, बल्कि हजारों का किया, और इसमें बड़ी सफलता मिली। कुछ थेरेपीज ऐसी है जो पूरे हिंदुस्तान में हमने पॉपुलर की, और उसको कैसे किया जाता है उसके भी वीडियोस बनाए। तो इसमें हम पीएमई में, अगर आप जाएंगे, आप किसी छोटे शहर में रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो अगर आप पीएमई के लिए किसी से मिलेंगे, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलेंगे या किसी सेक्सोलॉजिस्ट से मिलेंगे, किसी से भी मिलेंगे, तो वो आपको आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, टैबलेट लिख के दे देते हैं, और पेशेंट को खाता है, कुछ में असर आता है, कुछ में असर ज़्यादातर में नहीं आता। और वो भी आप बहुत दिन तक एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं ले सकते, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसमें हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि किस तरह की पीएमई होती है और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। बेसिकली पीएमई है क्या? जब आपकी पार्टनर की सेटिस्फेक्शन से पहले इजेकुलेशन हो जाए, वो पीएमई है। तो फिर इसमें किया क्या जाए? तो इसमें क्या है, कई बार क्या होता है कि पेनिट्रेट करने से पहले ही इजेकुलेशन हो जाती है, कई बार करते ही इजेकुलेशन हो जाती है, कई बार अंदर डालते ही एक मिनट में इजेकुलेशन हो जाती है, कुछ बार कुछ सेकेंड में हो जाती है, और पार्टनर और जिसको होती है, जो इससे सफ़र करता है, दोनों ही फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में जाते हैं। उनके दिमाग में हर वक्त यही ख्याल आता है। तो देखिए, इसको कई लेवल पे जो पीएमई है वो होती है, या तो माइंड के लेवल पे हो, मतलब आपका रिफ्लेक्स ऐसा बन गया हो कि आप जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। दूसरा रीज़न होता है कि बहुत ज़्यादा ग्लैंड्स पेनिस की टिप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। तीसरा रीज़न होता है कि जो मसल्स हैं, बल्बोस्पॉन्जोसस मसल होती है, एक मसल होती है जो यूरेथ्रा के चारों तरफ उसको घेर के रखी होती है, और वो पंप कर देती है, तो जल्दी से जो अंदर एक तरह का वैक्यूम होता है और अंदर की सेक्रेशन बाहर निकल आती है। तो इसको इन तीन क्राइटेरिया से ही आपको डील करना चाहिए। अगर पेशेंट को ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है तो उसमें मेडिसिन का रोल आता है, क्योंकि ये मेडिसिन इस तरह के उनके उस मेडिसिन का एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन का ये साइड इफेक्ट है कि वो इजेकुलेशन है उसको डिले कर देती है, और जो बेसिकली रिस्पॉन्स है उसको डिले करने के कारण टाइमिंग बढ़ जाती है। लेकिन बहुत से पेशेंट्स में ये रिस्पॉन्स होता है, बहुत से पेशेंट्स का पेनिस सेंसिटिव होता है, ग्लैंड्स पेनिस सेंसिटिव होता है, या पेनिस में भी कोई एरिया सेंसिटिव होता है, या तो यूरेथ्रा के ऊपर नीचे जहाँ पे है वो सेंसिटिव है, या कोई भी और जो भी पेशेंट को लगता है, या जहाँ पे फ्रेनुलम होता है, जिसको ट्राइंगल ऑफ लव कहते हैं, वो एरिया सेंसिटिव होता है। तो ऐसी जगह में हम फिलर डालते हैं। फिलर क्या होता है? फिलर बेसिकली एक निडल होती है, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, ये एक तरह का जेल होता है, निडल में प्री फिल्ड सिरिंजेस में आता है ये, उस सिरिंज को हम डालते हैं, वो जेल टाइप में होता है, ये जेल अंदर जाके सॉलिड में चेंज हो जाती है और नर्व्स के ऊपर एक लेयर बना देती है, जिससे कम सेंसेशन ट्रेवल करती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि पीएमई में स्प्रे दे देते हैं। स्प्रे लगाने का नुकसान क्या होता है कि वो पूरा एरिया आपका और आपके पार्टनर दोनों का नम हो जाता है, जिस कारण से एक तो एक कंबर समय आप सेक्स करने लगो उससे पहले स्प्रे करो, तो ऐसे में लोगों का वैसे ही इरेक्शन कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, वे बिल्कुल ही नम कर देता है तो वैसे भी इरेक्शन चला जाता है। इसलिए फिलर उसके मुकाबले, एक तो आपको कन्वीनियंट है, आपने एक बार लगाए, 1.5 साल तक चलता है। दूसरा, इसको बार बार आपको रिपीट करने की रात को जरूरत नहीं है, और ये सेंसेशन पूरी तरह ख़त्म नहीं करता, उसको ब्लंट करता है। जब सेंसेशन थोड़ी कम हो जाती है तो धीरे धीरे जो आपका माइंड में भी एक रिफ्लेक्स होता है वो भी धीरे धीरे वो वीक पड़ने लगता है, और टाइमिंग विद टाइम बढ़ती है। ये नहीं कि आपने इमिजिएटली फिलर लगाया तो इमिजिएटली नहीं टाइमिंग बढ़ती, टाइम लगता है। ऐसी स्टडीज़ हैं कि जब फिलर और साथ में सेलेक्टिव डॉर्सोनरेक्टमी, जिसकी मैं बात करूँगा, दोनों को साथ में किया जाए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने पेशेंट्स का किया और जिनकी टाइमिंग ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड थी, वो 5 मिनट तक होगी 2 से 3 महीने में। तो फिलर का ये पर्पज़ है कि उसको आप चारों तरफ लगा सकते हैं, पेनिस के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 1.5 साल तक ही काम करता है, उसके बाद इसका काम ये एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप इसको टॉप अप कराते रह सकते हैं, सेफ है, लोकल एनेस्थीसिया सुन करके किया जाता है, 2-4 मिनट का टाइम लगता है। लेकिन मैंने इसमें देखा है कि जो लोग फिलर्स नहीं करते हैं, आपने देखा होगा हमारे बहुत वीडियो फिलर्स के, लेकिन अगर आप सोचो मैं यहीं पे जाके करा लूँ और कोई कर दे, तो ये प्लास्टिक सर्जरी का फिलर्स, प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशल ट्रेनिंग होती है करने की, कि किस लेवल पे दिया जाए। अगर आप बहुत सुपरफिशियल देंगे तो उसके ब्लैब्स छाले टाइप के बन जाएंगे, बहुत डीप देंगे तो नर्व के नीचे चला जाएगा और वो असर नहीं करेगा। तो सही लेवल पे लगे, बिना पेन के लगे, और डॉक्टर खुद लगाए, और जो कि इस पे एक्सपर्ट हो, जो इसके बहुत केस कर चुका हो, तभी ये फिलर एक सुरक्षित और असरदार ट्रीटमेंट है।
अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई हर साल आपको खर्चा ना करना पड़े और एक तरह के बार बार आके फिलर ना कराना पड़े, तो आप एक बार फिलर लगा के देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ही सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी में जा सकते हैं। सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी आप जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमने ही ये सर्जरी शुरू की और हमारे क्लिनिक में ही इसके आपको वीडियो मिलेंगे। लोग बात तो करते मिल जाएंगे डोर्सल न्यूरेक्टमी की, लेकिन जब करने की बात होती है तो या तो वो कहेंगे कि हम इसको बेहोश करके करेंगे, या फिर वो आपको कहेंगे तो कोई इंसिजन कुछ और लगा देंगे, आपको कहेंगे नहीं सर्कमसीजन कर लो, फ्रेनोप्लास्टी कर लो, इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि ये करनी नहीं आती। हमारे क्लिनिक में इसको सुन करके किया जाता है, पेशेंट होश में होता है, उसकी नर्व्स निकालने के बाद पेशेंट को हमेशा नर्व्स दिखाई जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है। और एक और बड़ी पहचान है जो मैंने बताया, जब नर्व्स कटती है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो पेशेंट को हालांकि हम उसको फिर भी ब्लंट कर देते हैं, तो नर्व्स कम करते हैं, उसमें हल्का सा करंट लगता है, हालांकि हम उसको लोकल एनेस्थीसिया देके सुन कर देते हैं, लेकिन 50% 60% लोगों में हल्का सा करंट की सेंसेशन, बल्कि उससे भी ज़्यादा आती है, बहुत हल्की, तो वो एक श्योर शॉट साइन होता है कि आपने नर्व्स को काट दिया है। तो उससे क्या होता है, एक ग्लैंड स्पाइनस में नर्व्स का जाल बिछा होता है, दो नर्व्स आती है, ऊपर कई नर्व्स होती है लेकिन दो मेजर नर्व्स होती है, किसी में चार भी होती है, किसी में तीन भी होती है, आमतौर पर दो होती हैं, वो आगे जाके बहुत ब्रांचेस दे देती है और ग्लैंड स्पाइनस में ऐसे फैल जाती हैं वो ब्रांचेस। ये दो मोटी नर्व्स को अगर आप काट दोगे तो जो ग्लैंड स्पेनिस के आगे नर्व्स हैं, बहुत सारा जाल है, उनमें से ज़्यादातर नर्व्स में सेंसेशन चली जाएगी, पूरी सेंसेशन नहीं जाएगी क्योंकि बहुत सी नर्व्स अभी भी बची हुई होगी जो कि वेंट्रल सरफेस नीचे के सरफेस से आई होगी या कहीं और से आई हुई होगी, लेकिन आपने सेंसेशन को कम कर दिया, पूरी तरह गायब नहीं किया। फ़ायदा ये हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही नंब हो गया, और ये नुक्स दूसरा फायदा ये हुआ कि सेंसेशन कम हो गई। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, अगर पेशेंट चाहता है कि और ज़्यादा नंबनेस की जाए, तो डोर्सल सरफेस पे तो हमने ये कर दिया, यानी ऊपर से पेनिस के तो हमने नर्व्स काट दी, और नीचे के एरिया में फिलर लगा सकते हैं। तो फिलर में क्या है कि टेम्परेरी है, पूरी तरह से आप उसको नहीं नंब करेंगे और वो काम करेगा धीरे धीरे, 2 से 3 महीने में जैसे मैंने बताया स्टडी है, आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो ये तो हमने तरीके बता दिए पीएमई को ट्रीट करने के, जो हमने जिसके आपने वीडियो भी देखे होंगे और पेशेंट के रिस्पॉन्सेज भी देखे होंगे, बहुत सेफ है। एक है बोटॉक्स। बोटॉक्स क्या करता है, बल्बोस्पॉन्जोसस मसल होती है अंडकोश के नीचे और जहाँ से मल त्यागते हैं उसके बीच में जगह होती है, वहाँ पे बल्बोस्पॉन्जोसस मसल होती है यूरेथ्रा पेशाब की नलकी के दोनों तरफ, उसको घेर के रखा होता है, तो वहाँ पे हम उसको बोटॉक्स की यूनिट्स होती है, यूनिट्स मतलब कि कितनी यूनिट देनी है हमने। बोटॉक्स बेसिकली एक तरह का पाउडर होता है जिसको हम सलाइन मिला के लिक्विड में चेंज कर लेते हैं और फिर उसकी यूनिट्स डालते हैं। इसमें आमतौर पर 100 यूनिट्स तक डाला जा सकता है, लेकिन हम शुरू में पूरी 100 यूनिट्स एक साथ नहीं डालते, तो कुछ यूनिट्स कम डालते हैं और फिर उसको टॉप अप कर सकते हैं। ये क्या करेगा, मसल्स को थोड़ा सा, हाइपर एक्टिव मसल है जो जल्दी से कॉन्टैक्ट करे यूरेथ्रा से, जर्कुलेट करवा देती है, उनको थोड़ा सा नब वीक कर देगा, जिस कारण से इतनी जल्दी इजेकुलेशन नहीं होगी। इसको भी आप फिलर के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं, सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी के साथ कंबाइन करके ले सकते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें पीएमई होता है, उनमें आमतौर पर ईडी का भी कुछ कंपोनेंट देखा गया है, तो ऐसे में इनके साथ पी शॉट को भी कंबाइन किया जा सकता है, जो बहुत ज़्यादा फायदा देता है। पी शॉट का फायदा आने में, बोटॉक्स का फायदा आने में 10 दिन तक लगते हैं। फिलर का और सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी का फायदा आने में, हालांकि फिलर जल्दी एक्ट करता है, लेकिन सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी का फायदा आने में आपको लगभग 2 महीने का टाइम लग सकता है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट को साइकोलॉजिकल लेवल पे जल्दी वो डिस्चार्ज हो जाता है, घबरा जाता है, तो उसके साथ आपको एंटीडिप्रेसेंट भी दिया जा सकता है। इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट पेशेंट से बात करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी ही ट्रीटमेंट सेफ है, करा के आप फौरन घर जा सकते हो, रुकने की जरूरत, दर्द होगा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना स्वेलिंग होगी, ना दर्द होगा, ना ही किसी तरह की कोई बैंडेज की जाएगी। सिलेक्टेड डोर्सल न्यूरेक्टमी में 1 दिन की बैंडेज की जाती है, जिसको 1 दिन बाद आप घर पे उतार देते हैं ताकि अपने आप भूलने वाले होते हैं। तो ये बहुत सेफ ट्रीटमेंट है पीएमई का, जिसका पूरे हिंदुस्तान में हमें एक्सपर्टीज है, सबसे ज़्यादा केसेस हम करते हैं, और आमतौर पर कुछ जगह पे सर्कमसीजन को पीएमई की ट्रीटमेंट बता के किया जाता है, हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर सर्कमसीजन से ही पीएमई दूर हो जाता तो मुस्लिम्स को तो ये होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बचपन में सर्कमसीजन हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आपको ये सब ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए बजाय कि सर्कमसीजन कराएं। सर्कमसीजन तभी कराएं जब वो पेनिस की स्किन टाइट हो,
और फ्रेनोप्लास्टी भी तभी कराएं जब वो फ्रेनम टाइट हो, अदरवाइज PME में ये बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता है। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आपने अपना टाइम दिया, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।